दिस इज शेफ शांतनु, वेलकम टू माय चैनल शांतनुस किचन रेसिपी। तो आज मैं जो बनाने वाले हूँ वो बेसिक एक ब्रेकफास्ट आइटम है जो आप किधर भी जाओगे, लाइक ढाबा में जाओगे, कहीं भी कॉर्नर में खाने जाओगे या कहीं कोई बड़ा सा फाइव स्टार होटल में भी खाने जाओगे तो आपको मिलेगा। तो बेसिक हम जो आज बनाने वाले हैं वो आपको मैं सस्पेंस में नहीं रखे बोल ही देता हूँ, पराठे बनाने वाला हूँ मैं, स्टफ पराठा। और ये बनाने का रीज़न यही है कि मैं बंगाल से बिलोंग करता हूँ और मेरा माँ बोलो या मेरा नानी या मेरा चाची, कोई भी अगर ब्रेकफास्ट में कुछ बनाता है तो वो बेसिकली बनाएगा लूची बनाएगा, जो हमारा बंगाल को रिप्रेजेंट करता है, जैसे लूची बनाएगा, नहीं तो तवा पराठा जिसको हम लोग त्रिकोण पराठा बोलते हैं बंगाल में वो बनाएगा, नहीं तो पूरी बनाएगा, नहीं तो कुछ कचौड़ी बनाएगा। तो मैं क्या सोच रहा था कि हमारा बंगाल में पराठा चलता है लेकिन घर में उतना ब्रेकफास्ट खाने के लिए हर कोई पराठा बनाता नहीं है। तो मैं मेरे हिसाब से आज कैसे आप घर में इजीली तरह तरह के पराठे बना के खा सकते हो वो दिखाऊंगा। चलिए बनाते हैं। आज हम तीन तरह के पराठे बनाने वाले हैं। एक तो आलू प्याज के पराठे जो पराठों में बहुत ही फेमस है, सब कोई हर कोई प्रेफर करता है, और एक गोभी के पराठे है और एक मूली का पराठा। मूली का पराठा क्योंकि सर्दियों का टाइम है, अभी सर्दी जाने ही वाला है, फिर भी मूली मैंने रखा है। और ये जो पराठा मैं बनाऊंगा, पराठा बनाने के लिए सबसे इसका पहला स्टेज ही है, हमें इसका डो रेडी करना है। तो डो रेडी करने के लिए आप किसी भी बड़े शेफ को देखोगे तो आटा का डो ही बनाता है। तो मतलब मेरे हिसाब से, मैं बंगाल से बिलोंग करता हूँ और अगर आप पराठा बना रहे हो तो मेरे हिसाब से अगर आप आटे के साथ थोड़ा सा मैदा का मिक्स करेंगे तो पराठा आपको बढ़िया और ज़्यादा लगेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप पराठा बना रहे हो तो पराठा में आप आटा के साथ, अगर आटा आप चार क्वान्टिटी में ले रहे तो एक क्वान्टिटी मैदा आप यूज़ कीजिए, बढ़िया पराठा बनाएगा। तो पराठा का बेसिक डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है चार पोर्शन ऑफ आटा, वन पोर्शन ऑफ मैदा जिसको मैंने अच्छे से मिक्स किया हुआ है, उसके ऊपर पिंच ऑफ सॉल्ट डाल के आप इसको मिक्स कर लीजिए अच्छे से, और खाली पानी डाल के एक नरम, एकदम नरम भी नहीं और बहुत हार्ड भी नहीं, एक बेसिक डो बनाना पड़ेगा। बना के इस डो को हम रेस्टिंग में रखेंगे और उसके बाद स्टफिंग का काम स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हो ये डो ऑलमोस्ट रेडी है, इसको मैं ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा के साइड में रख दूंगा। ऑयल लगाने का कारण यही है कि ये डो ऊपर से सूख ना जाए। पहले हम मूली के पराठे से स्टार्ट करेंगे क्योंकि मूली आपको पता है बहुत ही पानी छोड़ता है, मसाला डालेंगे तो पानी छोड़ेगा, तो उसका पानी स्ट्रेन करना पड़ेगा, उसके बाद उसको ड्राई करना पड़ेगा। अगर ड्राई नहीं करोगे तो आपका पराठा ऑटोमेटिकली फटेगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मूली, उसके बाद गोभी और लास्ट में आलू और प्याज के पराठा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूली का पराठा। मूली के पराठे बनाने के लिए हमें पहले मूली ग्रेट करना पड़ेगा, तो हम मूली ग्रेट करके दिखा रहे हैं आपको। पराठा बनाने के लिए आपको मूली इतना बारीक करके ग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि भैया आप स्टफ पराठा खाओगे, अगर मूली आपका मुंह पे नहीं आया तो आपको उसका मजा ही नहीं आएगा। तो इसके साथ हम पहले इसमें थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट डालेंगे, उसके बाद थोड़ा सा फाइन चॉप किया हुआ अदरक, थोड़ा सा ग्रीन चिली और मसाले, जीरा पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर, ये मत भूलना, जीरा रोस्ट करके बनाना पड़ेगा आपको। उसके ऊपर थोड़ा सा धनिया पाउडर, और एक कश्मीरी रेड चिली पाउडर जो ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हो नहीं भी डाल सकते हो, ये पूरा पूरी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमारा मूली का मिक्सचर रेडी है, आप देख सकते हो।
तो इसको हम साइड में रखेंगे, ये पानी छोड़ेगा, पानी इसका फेंका जाएगा, उसके बाद ये बिल्कुल ही रेडी है स्टफिंग होने के लिए। तो इसके बाद हम गोभी से स्टार्ट करेंगे। तो गोभी के पराठे बनाने के लिए आपको चाहिए गोभी, जो मैंने ऑलरेडी काट के नमक के पानी में सोख करके इसको स्ट्रेन करके अलग सा रख दिया है। तो इसको हम करेंगे पहले ग्रेट। तो चलिए करते हैं। आपका ये गोभी ग्रेट हो चुका है, तो इसमें हम डालेंगे हरा धनिया, फाइन चॉप जिंजर, ग्रीन चिली फाइन चॉप, थोड़ा सा फाइन चॉप ऑनियन और सादा नमक। सादा नमक डाल के इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम लोग इंडियन स्पाइसेस ऐड करेंगे। इंडियन स्पाइसेस जो ऐड करेंगे वो है आपका वही सेम रोस्टेड जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऑप्शनल। आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, नहीं डालना है भी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ये गोभी का मिक्सर भी रेडी है। देखिए कितना इजी है ना, बहुत इजी है। इसके बाद हम आलू प्याज के पराठे बनाएंगे। आलू प्याज के पराठे बनाने के लिए आपको चाहिए आलू, सीरियसली आलू मतलब बॉयल्ड आलू। आपको मैं वो जो पहले से ही बॉयल करके रखा हूँ, तो चलिए इसको भी ग्रेट करते हैं। ग्रेट करके इसमें ऑनियन डालेंगे, बाकी सारी चीजें डालेंगे। देखिए आ जाइए, आलू ग्रेट हो चुका है। इसमें हम डालेंगे फाइन चॉप प्याज, दरदरा काटा हुआ, क्योंकि भाई आलू ऑनियन के पराठे हैं, आलू और ऑनियन दोनों एक साथ मुंह में आने चाहिए। उसके ऊपर फ्रेश कोरिएंडर चॉप, वही जिंजर चॉप फाइनली, और थोड़ा सा स्पाइसी, हम इंडियन है थोड़ा सा स्पाइसी खाना पसंद करते, तो फाइन ग्रीन चिली चॉप। इसमें हम डालेंगे नमक अंदाज अनुसार स्वाद के जैसे, धनिया का पाउडर एकदम बढ़िया सा धनिया का पाउडर, जीरा पाउडर, और इस टाइम हम इसमें रेड चिली पाउडर नहीं डालेंगे। तो आलू प्याज के पराठे का मिक्सर भी रेडी है, हम इसे इधर रखते हैं। और सबसे पहले पेड़ा काटेंगे पराठे के लिए, तीनों इक्वल साइज पेड़ा काटेंगे और तीनों टाइप का पराठा बना के अभी दिखाएंगे। पराठा बनाने के लिए हम लोग जो डो बनाया था उसको अब थोड़ा सा गूंदेंगे, गूंद के उसका पेड़ा काटेंगे, पेड़ा काट के उसको अच्छे से शेप देके उसमें स्टफिंग करेंगे। तो चलिए गूंदते हैं इसको थोड़ा सा। पेड़ा हमारा रेडी है, पेड़ा मैं काट चुका हूँ। अब आपको सिखाएंगे कैसे इसको स्टफ करना है। एक डो आप उठाइए, ये डो को ऐसे लीजिए, डो जो आपका ये थंब है, थंब से इसको प्रेस कीजिए, प्रेस करके इसको एकदम इसका जो कोना हो कोन है इसको पतला होना पतला करना पड़ेगा, पतला कीजिए और इसको ऐसे ऐसे देखिए ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे कीजिए। करने के बाद सबसे पहले आलू का स्टफिंग डालते हैं। स्टफ पराठा है, थोड़ा सा ज़्यादा स्टफिंग हो रहा तो अच्छा दिखेगा,
और मतलब स्टाफ पराठा खा रहे हो तो साफ तो रहना ही चाहिए ना, कम डालोगे फटने का डर से, तो पराठा खा के आपको मज़ा नहीं आएगा। तो कैसे इसको टक करना है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे करके इसको टक करना पड़ेगा। ऐसे बंद किए जी इसको, थोड़ा सा इसको ऐसे घुमाइए, बंद किया, फिर से जैसे पहले रोल किया था वैसे रोल कर इसको ऐसे छोड़ दीजिए। तो ये आप थोड़ा सा ऊपर से मैदा डस्ट कर दीजिए, तो ये आपका आलू का पेड़ा रेडी है। फिर से हाथ के जरिए से इसको ऐसे करना है, इधर रखिए, थोड़ा सा हाथ में मैदा डस्टिंग कीजिए तो अच्छा होगा। और भी हो गया, अभी हम डालेंगे इसमें गोभी। आप देख सकते हो कैसे मैंने इसको बंद कर दिया है, फिर से इसको ऐसे रोल करके घुमाना है, घुमा के ऐसे रखिए, थोड़ा सा डस्टिंग कीजिए ऊपर नीचे साइड में रख दीजिए। ये मूली मैं आपको दिखाता हूँ इसमें से कितना पानी निकलेगा, देख सकते हो आप कितना पानी निकल रहा है। अगर ये पानी इसके अंदर रह जाता तो आपका पराठा गारंटी हो लेके बोल रहा हूँ हट जाता है। हमें स्क्वीज करना है और इसको अलग करना है। मिक्सचर में हमने सॉल्ट जो डाला था थोड़ा बहुत पानी के साथ निकल गया, तो हम लोग थोड़ा सा और सॉल्ट डाल के इसको थोड़ा सा और सीजनिंग कर लेंगे। सॉल्ट डाला मैंने थोड़ा सा चुटकी भर और इसको मिक्स किया अच्छे से, फिर से इसको डो को लेना है, डो को दो हाथ के थोड़ा सा मैदे से डस्ट किया, फिर से दो उंगली उंगली लेके इसको ऐसे करके फैलाना है आपको। आपका ये जब रेडी है आप उंगली का स्टफिंग लीजिए और इसको ऐसे करके इसमें फैला लीजिए। हम करेंगे बंद, कैसे बंद कर रहा हूं देख लीजिए, ये हो गया बंद, थोड़ा सा डस्टिंग नीचे से ऊपर से। ये आपका मूली भी स्टफ हो गया है। तो इसमें मैंने ऑलरेडी स्टफिंग कर चुका है, ये आलू का, आलू प्याज का पराठा है, ये गोभी का पराठा है और ये आपका मूली का पराठा है। तो हम लोग इसको अभी बेलेंगे। पहले हाथ से थोड़ा सा डो को फैला लीजिए, ताकि आप फैलाएंगे तो आप ये उतना इजीली फटेगा नहीं, चारों ओर से फैलाएंगे हाथ की तीन उंगली यूज़ करके, तो ये एक अच्छा सा राउंड शेप ले लेगा। उसके बाद आप हल्का सा इसमें मैदा डस्ट कीजिए या आटा डस्ट कीजिए और रोलिंग पिन से इसको अच्छे से रोल कीजिए, ताकि आपका पराठा अच्छे से रोल भी हो जाए और ना फटे। सेम आपको तीनों पराठे को ऐसे ही रोल करना पड़ेगा। और ये आप स्टाफ पराठा बना रहे हैं, थोड़ा सा देख कीजिए, बहुत मोटा भी नहीं होनी चाहिए, बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए। पतला होगा तो ये हार्ड हो जाएगा और मोटा होगा तो आप खा नहीं पाओगे, आपका जो दांत के अंदर ही चिपकेगा। तो देखिए ये आलू अनियन का स्टफिंग के साथ जो मैंने पराठा बनाने का स्टार्ट किया था वो मैंने अच्छी तरह से बेल लिया है। सिमिलर वाइज हम अभी गोभी बनाएंगे। ये तीनों पराठा हम मैं बेल के रेडी कर चुका हूँ, अभी फाइनल फिनिशिंग टच है, इसको हम पहले सेकेंगे और उसके बाद घी या बटर या ऑयल आपके चॉइस से, मैं तो घी और ऑयल से बनाऊंगा पराठा, आपका चॉइस है, आप भी बना सकते हो आपके हिसाब से। तो चलिए कैसे पराठा आप सेकेंगे और फ्राई करेंगे मैं दिखाता हूँ, चलिए। तो
पराठा सेकने के लिए आपको चाहिए नॉनस्टिक पैन, और मैं इसको ऑन करूंगा अभी और पैन को थोड़ा सा लाइट हीट करूंगा। लाइट हीट करने के बाद पराठे को पहले से दोनों साइड से अच्छे से सेकूंगा कि ये कच्चा ना रहे। उसके बाद प्योर घी से, मैं घी ला के रखा हूँ पराठा बनाने के लिए, प्योर घी से आज पराठा बनाएंगे। पैन आपका गर्म हो चुका है, तो मैं ये पराठा लिया और इसको ऐसे इसमें डाला और इसको सेकने के लिए छोड़ा। तो इसको मैं फ्लिप कर रहा हूँ, देखिए ये जो आया कलर, मतलब ये कुक हो चुका है, उसी तरफ कुक होगा। उसके बाद हम घी डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे। डालेंगे घी, साइज हमेशा आपको देखना पड़ेगा कि कोई भी पराठा का, स्टाफ पराठा का साइज कच्चा रह जाता है, तो उसको दबा दबा के आपको अच्छे से कुक करना पड़ेगा, नहीं तो साइज कच्चा रह जाएगा और आप बोलेंगे कि शेफ आपने बताया नहीं। ये पराठा आप देख सकते हो कितना बढ़िया कलर आया है इसका, आलू प्याज के पराठे इसके साथ अचार और मक्खन, आह हा हा, मजा आ जाएगा। पराठा खाना है तो घी में कमी नहीं होनी चाहिए, एकदम बढ़िया सा एकदम मेल्टेड घी डालिए और इसको चारों ओर से एकदम बढ़िया सा सेकना पड़ेगा, मजा आ जाएगा आपको खा के। ये देखिए, देख रहे कितना फूल रहा है, कितना अच्छा सा बढ़िया सा फूल रहा है, पराठा हम अभी के इसमें डालेंगे मक्खन, अमूल के मक्खन, इसमें डालेंगे हम मक्खन अमूल के, और बटर में भी कोई कंजूसी नहीं। ये आप इसके साथ दही के साथ ही खा सकते हैं, सिटकट के साथ। देसी तड़का अचार, और ये आपका पराठा खाने के लिए रेडी है। तो ये पराठा खाने के लिए रेडी है। अगर आप इसके साथ अचार के साथ सिटकट भी दे सकते हैं या दही भी दे सकते हैं, कोई सभी लच्छा ऑनियन, कोई सा भी सैलड, लाइक घर में जो आप लोग अनियन की कुम्बर का सलाड, चटनदारी अनियन कुछ भी आप इसके साइड में देके सर्व कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया पराठा बनाए, तो प्लीज़ घर में ट्राई कीजिए, बनाइए, खाइए। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा वीडियो देखिए, और मैं ऐसे ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा और ऐसे ही खुश होकर सब एक साथ काम करेंगे। थैंक यू।